हेलो दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक फाइनेंशियल फंक्शन। तो पहला फंक्शन हम देखते हैं पीएमटी, जिसका फुल फॉर्म है पर मंथ ट्रांजेक्शन। मान लीजिए कि आपने 50,000 का लोन उठाया है 2 साल के लिए और 12% की दर से, तो हर महीने आपको कितना पैसा आपको रिटर्न करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, हम इस पर मंथ ट्रांजेक्शन जो फॉर्मूला है उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएमटी फंक्शन जो है उससे हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अप्लाई करके देखते हैं। पहले इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट 12% है, इसको बटे 12 कर देंगे, जिससे आपको हर महीने कितना इंटरेस्ट लग रहा है ये पता चल जाएगा। उस हिसाब से एन पर सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड जो कि आप ईयर में है उसको महीने में कन्वर्ट करने के लिए आपको पूरे 12 करना पड़ेगा। फिर कॉमा देखें पीवी, मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू है, कितना आपने लोन लिया है उसके बेसिस पर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपका पर मंथ ट्रांजेक्शन आ जाएगा। ठीक, 2353.67 रुपये, इतना आपको हर महीने रीपे करना पड़ेगा लोन को। और ये रेड कलर में आ रहा है तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं है, आगे माइनस साइन लगा सकते हैं। और ये डॉलर में आ रहा है तो यहाँ पर आप जाके आप चेंज कर सकते हैं अपनी करेंसी को। ओके, नाउ अगला फंक्शन हम देखते हैं पीवी प्रेजेंट वैल्यू। मान लीजिए आपको पता है पर मंथ आप कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और कितने किस दर से पैसा लिया गया है और कितने समय के लिए लिया गया है, तो उसके आधार पर हम प्रेजेंट वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वल टू पीवी, देखिए रेट क्या है हम आसानी से निकाल सकते हैं, बटे 12 गुणे एन पर, इसको भी गुणे 12 करेंगे, पर मंथ ट्रांजेक्शन मान लीजिए इतना है हमारा, ये अभी कुछ एरर शो कर सकता है, एरर शो नहीं किया, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, 50,000 प्रेजेंट वैल्यू था हमारा, 50,000 प्रेजेंट वैल्यू आ गया, फाइन। नाउ अगला फ्यूचर वैल्यू हम देखते हैं कि किसी दर से हमने पैसा उठाया है और बाद में वो मैच्योर्ड होके कितना पैसा होगा, ये हम फ्यूचर वैल्यू से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करके देखते हैं एफ वी। ठीक, पहला रेट सेट करते हैं, बटे 12 एन पर गुणे 12 पर मंथ ट्रांजेक्शन, इसी को सेलेक्ट करते हैं, फ्यूचर में जाके इतना हमको पेमेंट करना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट के साथ, हमको 63,486.73 हमको रीपे करना पड़ेगा। 50,000 हमने उठाया था और हमको कितना रीपे करना पड़ेगा वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू से। तो अगला और आखिरी फंक्शन है एन पर, जो कि नंबर ऑफ पीरियड बताता है। तो आइए देखते हैं इसको, इक्वल टू एन पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट क्या है अपना 12% की दर से, बटे 12 कर दीजिएगा, पर मंथ ट्रांजेक्शन हमको पता है हमारा गुड़े प्रेजेंट वैल्यू ये भी पता है, सेलेक्ट कर लीजिए, 24 महीने आया, ठीक है, 24 महीने, ये जो आपको 24 महीने आ रहे हैं ये महीने में आ रहा है, क्योंकि हर महीने महीने हमने देखा है, और 24 महीने मतलब हमारा 2 साल, यहाँ पे जो हमने 2 साल लिखा था ईयर में, ठीक। तो आई होप सो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।